भाई 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 मान गए तेरे को, मान गए भाई, क्या बोर्ड है, क्या बोर्ड है। मुझसे अरे ससुरा, तुमको क्या खा के बनाया गया है, है? तुम इतना अच्छा साउंड क्वालिटी कैसे निकाल लेते हो भाई? 12 वोल्ट में ही पूरा हमार घर हिला दिया भाई। ये सारे स्पीकर्स भाई बहुत खतरनाक बज रहे थे यार, है? तो आज के इस वीडियो में हम 100 वाट निकालने वाला AP55 क्लास डी एम्पलीफायर बोर्ड के बारे में बात करेंगे। सामने से तुमको लगेगा कि ये 150 रुपए वाला ब्लूटूथ मॉड्यूल है, लेकिन है नहीं। इसके पीछे देखो, ये मोटा जो हीट सिंक लगा हुआ है ना, इसके पीछे लगा हुआ है TPA3116D2 वाला क्लास डी एम्पलीफायर बोर्ड, जो कि निकालता है 50+50 वाट, मतलब कि 100 वाट, जिसका मॉडल नंबर प्रॉपरली तुम देख लो, गोल्ड AP55। इस बोर्ड को इतने सारे स्पीकर के साथ चलाने वाले हैं, इसका पूरा दम निकाल देंगे। एक्चुअली दम नहीं निकालेंगे, आज के वीडियो में इसको रिव्यू करेंगे, टेस्ट करेंगे क्या ये सच्ची में 100 वाट निकालता है, है? अरे ये ससुरा, ये तो सामने से देखने में 150 रुपया वाला सस्ता ब्लूटूथ मॉड्यूल लगता है, लेकिन ये सस्ता ब्लूटूथ मॉड्यूल है नहीं। कंपनी वाले बोलते हैं कि TPA3116D2 लगा हुआ है। टेस्ट तो करेंगे, इनके साथ टेस्ट कर लेंगे, इसको तुम टेंशन ना लो। इसमें हाई क्वालिटी इंडक्टर्स, कनेक्टर्स, कैपेसिटर्स एंड वोल्टेज रेगुलेटर्स के साथ बहुत अच्छे से बनाया गया है इसको, जो कि देख के मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ। लेकिन यार एक दिक्कत है, इसमें साला कहीं तुम्हारा ऑडियो बूस्टर तो है ही नहीं है। जितना मैं जानता हूँ कि TPA3116D2 के आगे अगर हम एक प्रीएम्प आईसी लगाएं या फिर प्रीएम्प बोर्ड लगाएं तो तब बढ़िया आवाज़ निकालता है। मुझे पता नहीं गाइस, ये बिना प्रीएम्प के इतना अच्छा आउटपुट कैसे निकालता है भाई, है? ये तो है ब्लूटूथ आईसी, देखो ये ब्लूटूथ आईसी लगा हुआ है, ब्लूटूथ रिक लगा हुआ है। फ्रंट पैनल को कंट्रोल करने के लिए स्विचेस भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का यूज़ किया गया है, मतलब कि एक ब्लूटूथ मॉड्यूल में जो फीचर्स चाहिए होता है वो सब तो है ही, साथ में ये इनबिल्ट एक हाईफाई एम्पलीफायर के साथ आता है। देखो साइज़ बहुत ही छोटा है गाइज, देख लो। तो नॉर्मली हीट सिंक जो होते हैं स्क्रूज़ के साथ लगा हुआ था, लेकिन ये वाला पता नहीं का है गोंद से लगाया गया है, बहुत ज़ोर से लगाया गया है, खोलने में आईसी टूटी के भी वांदे है, ठीक है। उल्टा पुल्टा तार ना लगा दो, साथ में ये देखो डायोड भी लगा हुआ है प्रोटेक्शन के लिए, ये 5 वोल्ट रेगुलेटर लगा हुआ है SMD में, और SMD कंपोनेंट्स सारे मेरे को बहुत अच्छे लग रहे हैं, हाई क्वालिटी वाले। फ्रंट पैनल का जो बटन है इनको कंट्रोल करने के लिए हाई क्वालिटी स्विचेस भी लगाए गए हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। कनेक्टर भी काफ़ी हैवी क्वालिटी वाला मेरे को लग रहा है, ओवरऑल देखने में तो बहुत ही हैवी लग रहा है। चलो टेस्टिंग करते हैं, लेकिन सबसे पहले ये हमको रिमोट मिलता है। रिमोट में हमको क्या क्या फंक्शन मिलता है, स्टॉप, ऑन ऑफ, वॉल्यूम, मूड, रिवर्स, इक्विलाइजर, लेफ्ट राइट, प्ले पॉज, वॉल्यूम अप डाउन, और कौन सा नंबर सॉन्ग चलाना चाहो, ऐसा अच्छा क्वालिटी वाला है यार। सबसे पहले तुम लोग सेटअप देख लो, कनेक्टर्स में मैंने कनेक्शंस लगा दिए हैं। ये वाला जो है पावर का है, जो कि सीधा इस बैटरी में गया हुआ है। ये वाला जो है लेफ्ट चैनल का है, जो कि इस स्पीकर में लगाया गया है, और दूसरा वाला ये वाला चैनल इस सबवूफर में गया है। ये एक सबवूफर है, ये एक स्पीकर सेटअप है, साथ में ट्विटर भी है, साथ में मिड भी है और बेस भी है, मतलब कि प्रॉपर साउंड निकालेगा। आज के वीडियो में हम 12 वोल्ट से चलाने वाले हैं, हम इसमें मैक्सिमम 24 वोल्ट तो दे सकते हैं, लेकिन मैं आज 24 वोल्ट से टेस्ट नहीं करने वाला, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा संदेह हो रहा है। 12 वोल्ट से ही आज के वीडियो में टेस्ट कर लेते हैं, अगले वीडियो में इन सभी स्पीकर्स को जोड़ के एकदम धमाका टेस्ट करेंगे, वो भी 24 वोल्ट के साथ। वाह क्या साउंड है, बहुत ही अच्छा साउंड है। मुझसे ओ भाई सिर्फ 12 वोल्ट, 12 वोल्ट में ही इतना ज्यादा अच्छा साउंड क्वालिटी कौन निकालता है, हैं? मैंने सिर्फ 12 वोल्ट घुसा दिया इस बैटरी से, इस वाले बैटरी से इतना अच्छा क्वालिटी। Thank you.
बहुत अच्छा क्वालिटी है यार, बहुत अच्छा क्वालिटी निकालता है बिना प्रीएम्प आईसी लगाए हुए, भाई बहुत अच्छा निकाल रहा है यार। टीपीए 8932 के पहले हमको प्रीएम्प लगाना चाहिए जितना मैं जानता हूँ, लेकिन ये बिना प्रीएम्प के ही बहुत अच्छा साउंड निकाल रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। मेरे को कोई प्रीएम्प आईसी लगा हुआ इसमें तो नहीं दिख रहा है गाइस, मुझे नहीं दिख रहा, लेकिन बिना प्रीएम्प के ही बहुत अच्छा निकाल रहा है साउंड, जो कि बहुत ही अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। हीटिंग की बात करें तो हीटिंग तो है नहीं, 12 वोल्ट से चलाओ, अरे कोई हीटिंग का इशू नहीं है। 24 वोल्ट से जब चलाएंगे फुल पोटेंशियल पे पूरा लोड लगा के, तब देखा जाएगा कि ये कितना हीट होता है, लेकिन 12 वोल्ट में कोई दिक्कत नहीं है। झकास ऑडियो क्वालिटी निकालता है, एकदम क्लियर एंड क्लिस्टर एंड क्लियर एंड झकास, कोई दिक्कत तो फिलहाल मुझे लग नहीं रहा। अरे ससुरा, तुमको क्या खा के बनाया गया है, हैं तुम इतना अच्छा साउंड क्वालिटी कैसे निकाल लेते हो भाई? 12 वोल्ट में ही पूरा हमारा घर हिला दिया भाई, ये सारे स्पीकर्स भाई बहुत खतरनाक बज रहे थे यार। हैं भाई भाई भाई, मान गए तेरे को, मान गए भाई, क्या बोर्ड है, क्या बोर्ड है। ओ भाई, इस बोर्ड से तो मेरा पूरा घर हिल गया भाई। ओए ओए ओए, रुको 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 रुको। ओए भाई, इस बोर्ड से बहुत टेस्टिंग वगैरह कर लिया है, अगले वीडियो में इसको पूरा ओवरलोड करने वाले हैं, देखने वाले हैं, इसका पूरा दम निकालेंगे 24 वोल्ट के साथ, इन सारे स्पीकर्स को एक साथ लगा देंगे, फिर देखेंगे क्या मजा आता है। चलो भाई, आज के वीडियो में इतना ही, लाइक वाइक ठोक देना, तुम लोगों के लिए भाई बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं, प्लीज़ लाइक वाइक ठोक दो प्लीज, इससे मज़ा आता है। अगर डोनेट वोनेट कुछ करना चाहो तो मतलब कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर इस कोई QR कोड पे कुछ कुछ स्कैन करके भेज दो तो मदद हो जाएगी थोड़ी सी आप उनकी। चलो गुड बाय।